इसराइल ने लिया बदला, ईरान पर तागी मिसाइल। इसराइल के हमले से ईरान में मची भगदड़। काम नहीं आई चतुराई, अब ईरान की शामत आई। इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष तेज हो गया है। इसराइल ने ईरान के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। ईरान के इस्फहान शहर के एयरपोर्ट पर धमाके की आवाजें सुनाई दी गई हैं। इस शहर में कई न्यूक्लियर प्लांट हैं। कहा जा रहा है कि ईरान के परमाणु प्लांट पर भी मिसाइलें गिरी हैं। ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोग्राम भी इसी जगह से चल रहा है। इस बीच इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपनी मिलिट्री बेसिस को हाई अलर्ट पर रहने को कह दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए हैं। इसराइली हमले के बाद ईरान ने तेहरान, इस्फहान और श्रीराज जा रही सभी फ्लाइट सस्पेंड कर दी हैं और कम से कम 8 फ्लाइट को डायवर्ट कर दिया गया है। ईरान ने इस हमले के बाद कई राज्यों में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट रहने को भी कह दिया है। बताया जा रहा है कि सीरिया और इराक में भी हमला किया गया, हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने अभी ये कंफर्म नहीं किया, लेकिन कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीरिया के अस्तुवेदा गवर्नरेट और इराक के बगदाद और बाबिल गवर्नरेट में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। हमले के बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है कि इसराइल लगातार हमला कर रहा है या नहीं। हालांकि इसराइल पर ईरान के हमले के बाद सही पूरे मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। बताया जा रहा है कि इसराइल ने ईरान के मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है, जहां उसके ड्रोन और मिसाइलों का जखीरा है। ऐसा लग रहा है कि इसराइल ने ईरान पर इस हमले की तारीख बेहद सोच समझकर चुनी है। दरअसल 19 अप्रैल यानी आज ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। खामेनेई 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता बने हुए हैं। मध्य पूर्व में वो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक हैं। हमलों के दौरान सुने गए धमाकों को लेकर कहा जा रहा है कि इसराइली मिसाइलों को ईरान ने हवा में ही तबाह कर दिया, जिसकी वजह से जोरदार धमाके सुनाई दिए गए। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को ईरान ने इसराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। इस दौरान उन्होंने इसराइल के निवातीन एयरबेस को टारगेट किया था। ईरान के हमले के बाद इसराइल ने बदला लेने की वार्निंग दी थी। अब इस हमले का जवाब इसराइल ने दिया है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।